हम आपको 10 फाइनेंशियल रूल के बारे में सिखा रहे हैं, जिसमें ये दूसरा रूल है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर जरूर देखिए, जिसमें रूल आप 72 के बारे में बताया गया है। आज हम दूसरे रूल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है 50-30-20 रूल। इस रूल को यूज करके हम अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि पैसा किधर से आ रहा है और किधर जा रहा है। 50-30-20 रूल के अकॉर्डिंग हमें अपनी सैलरी या नेट इनकम को 3 भागों में डिवाइड करना चाहिए। अपनी नेट इनकम का 50% हमें अपनी ज़रूरतों की चीज़ों पर खर्च करना चाहिए, जैसे लाइट का बिल, राशन का बिल, बच्चों की फीस, डीजल, पेट्रोल आदि। अगर हमारी इनकम 50,000 है तो हमें 25,000 इन सब चीज़ों पर खर्चा करना चाहिए। उसके बाद हमें अपनी इनकम पर 30% अपनी इच्छाओं या अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च करना चाहिए, जैसे नई बाइक, नए जूते, या जिसे लेना चाहते हैं लेकिन वो बहुत ज़रूरी नहीं है, ऐसी चीज़ों पर खर्च करना चाहिए। अगर माने आपकी इनकम 50,000 रुपये है तो 15,000 इन चीज़ों पर खर्चा करना चाहिए। अपनी इनकम का 20% इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि हमारी सैलरी 50,000 है तो हमें 10,000 रुपये कम से कम इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे फाइनेंशियल रूल के बारे में सीखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।